all this started in 2017, early 2017, it's like June 2017. So initially ऐसा लगा कि छोटा सा फोड़ा है, बट वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके ना पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जैसे मेरा ट्रैवलिंग का रहता है तो उसमें बैठते समय इतना पेन था कि मतलब ना आपको बिल्कुल ऐसे टेढ़ा होकर बैठना पड़ेगा। और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि हाँ फोड़ा है, एंटीबायोटिक दी 15 दिन के लिए, दवाई खाई 15 दिन में वो फोड़ा छोटा हो गया, मतलब वो फटा नहीं लेकिन वो छोटा हो गया, बट वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है शायद ये फोड़ा फटके ही ठीक होगा, जैसे जनरली नॉर्मल थाट होता है। फिर मैंने क्या किया कि वो उसको ना कुछ किया नहीं, फिर आराम से रहने दिया कि चलो ठीक है अपने आप फटेगा, दवाई खानी बंद कर दी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो रात को सोते सोते सुबह फट गया और उसमें से इतना म्यूकस निकला कि मतलब मुझे लगा था कि अब तो मतलब लाइफ सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर उसमें क्योंकि मेरा जो काम है उसमें 7-8 घंटे नॉर्मली बैठना होता है सीट पर, तो उसमें रियलाइज़ हुआ कि वो ना बहुत, पहले तो धीरे धीरे पस आता था, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई, मतलब क्वान्टिटी बढ़ती रही उसकी, पेन बढ़ता रहा बैठने में। जैसे बैठने के बाद अगर पस निकल गया तो ठीक है तुम बैठे रहो आराम है, लेकिन अगर वो पस नहीं निकला तो वो पूरा दिन रात एकदम ऐसे सुई की तरह चुभता था। उसके बाद कुछ लोगों से बात करी, एक तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि यू कांट टॉक टू एनीबॉडी और एवरीबॉडी अबाउट हैंड। सो फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये बगंदर, हाँ बगंदर है करके, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट चीज़ जो दिमाग में आई कि नहीं नहीं ये ऑपरेशन तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने होम्योपैथिक रीच आउट किया, उनको दिखाया, ये सितंबर 2017 मैं उनको दिखाया मैंने, तो उन्होंने दवाई दी, उन्होंने बोला हाँ ऑपरेशन मत कराना वरना बहुत दिक्कत होती है। और दिखाने के बाद उन्होंने दवाई दी, दवाई खाई एक, पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। शुरू में क्या हुआ था कि जो सुबह वॉशरूम अच्छा हो जाता था, क्लीन हो जाता था, दिक्कत नहीं होती थी, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया कि लेट्स ट्राई आयुर्वेदिक, तो उसमें मैं गया, उन्होंने को दिखाया, उन्होंने दवाई दी, करीबन 3 महीने दवाई चली वहाँ से। अगेन इतनी सारी दवाई थी वो कि मतलब 4-4 टैबलेट्स, फिर उसके बाद 3 तरह के सिरप, दिन में 3 बार खाना है पीना है, उसके बाद वो चलता रहा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लेफ़्ट में तो था ही था प्रॉब्लम, 3 महीने जो मैंने ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में किया उसकी वजह से वो राइट में भी निकलना शुरू हो गया था। फिर मैंने गूगल किया, कुछ लोगों से बात करी, फाइनली आई रियलाइज़ कि डॉक्टर आशीष एक्सपर्ट है इस एरिया में। तो फिर मैं डॉक्टर आशीष के पास आया, उन्होंने देखा और उन्होंने 3-4 चीज़ें पहले चीज़ बारे में ही बोल दी। तो उसमें से एक था कि मेरा वो जो स्पेस है वो थोड़ा सा टाइट है और आगे जाके नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, देर वॉज नो मेडिसिन, और 2-3 शिफ्ट में हो जाएगा। सो उससे लगा कि कॉन्फिडेंस, हाँ कि मतलब पूरा उनको क्लियर हो गया एक बार में, अदरवाइज जनरली क्या होता है लोग गेस करते हैं कि ये शायद ये होगा ऐसे होगा, बट ही वॉज वेरी श्योर। तो उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, तो पहली बार मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, बहुत डरा हुआ था, बट गुड पार्ट इज़ कि डॉक्टर आशीष पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए थे, आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, और ही सेड सब ठीक हो जाएगा करके, और सच में फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हुआ। और आज आई थिंक 6 महीने लगे पूरा होने में, बट अभी क्या है कि पूरा कम्प्लीटली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। और पहले इसके अलावा कुछ और जो टॉयलेट की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो भी सब चले गई? वो उसमें क्या है कि अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है खाने का, मसाला वसाला नहीं खाता हूँ मैं जनरली, बट उसकी वजह से कि काफ़ी फ़ायदा है, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है अभी तो। ये मेरा बेटा है राकेश नंदन शर्मा, मैं बच्चों को लेकर के इतना परेशान था
कि मेरा तो मतलब ज़िंदगी ही ख़राब एक तरह से हो गई थी। चिंता से दिन रात खाना पीना चिंता में पड़े रहते थे। तो ये बच्चे होते हैं, हमसे छुपाता रहा, अपनी मर्ज़ी से कहीं इधर उधर दिखाया। लेकिन बाद में मुझे बताया जो पापा जी से ऐसे ऐसे हमें पता लगा है, जो डॉक्टर आशीष हैं वो इनका स्पेशलिस्ट है। तो मैं फिर इसको बोला अपने बच्चे को, जो जा कर के उनसे कंसल्ट करो। तो डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब से मिला और बातचीत हुई, काफ़ी देर लगाए। डॉक्टर साहब ने भी पूरा ध्यान से सुना, पूरी हिस्ट्री ली शुरू से अंत तक। तो उनको समझ में आ गया, डॉक्टर साहब को, जे इसके अंदर मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जब पता लग गया तो फिर डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, और टाइम देने के बाद फर्स्ट टाइम में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट चला, दवाई चला, और पहले बार से ही हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, रिलैक्स हुआ, थोड़ा लगा जी ये ठीक हो जाएगा। और देखो ये तो लंबी बीमारी, थोड़ा सा बड़ा हो गया था। शुरू में जब हम दिखाते, डॉक्टर साहब हमें मिल जाते तो यहाँ तक हमें इतनी परेशानी नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन अच्छा हुआ, हमारी किस्मत अच्छी थी, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे डॉक्टर साहब से मिलवाया। और डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिए, पूरा भरोसा दिलाया, मेरे साथ बहुत अच्छा रिस्पेक्टिव मतलब उन्होंने व्यवहार किया। और तीन चार सेमेस्टर में ऑपरेशन करने के बाद आज की तारीख में मैं बहुत खुश हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। और आने वाले कल में भी मतलब जो भी है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो मैं तो यही चाहूँगा कि डॉक्टर साहब यदि आपको मिल जाए तो अच्छा होगा। और यहाँ हमें कोई तरह की शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर आशीष इज वेरी ग्रेट।